देखो दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसी मूवी की तलाश में है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, आपको डर की चरम सीमा पर ले जाए और आपको चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दे, तो भाई लोग ये लिस्ट आप ही के लिए है। दोस्तों आज हम बात करेंगे साथ ऐसी इंटरेस्ट थ्रिलर हॉरर मूवी के बारे में जो आपको एक डर का अलग ही मजा दिलाएगी। तो चलिए दोस्तों वेट किसकी करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मूवी 2016 में आई थी। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक लड़की होती है, वो बचपन से ही वेजिटेरियन होती है और उसकी पूरी फैमिली भी वेजिटेरियन रही होती है, लेकिन भाई जब वो कॉलेज में जाती है तो उस पर रैगिंग होती है और रैगिंग के दौरान उसको एक किडनी खानी पड़ती है। वो किडनी तो खा लेती है लेकिन उसके बाद उसकी पूरी बॉडी की कंडीशन बदलने लगती है, उसको मीट के प्रति क्रेविंग्स आने लगती है और भाई अब उसकी भूख नॉर्मल खाने से बिल्कुल बुझ नहीं रही होती है, उसको चाहिए सिर्फ मांस मटन और मीट। और उसकी ये क्रेविंग्स धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगती है कि उसको इंसान तक का मीट खाने का शौक हो जाता है। भाई एक फ्रेश टाइप का हॉरर एक्सपीरियंस करवाएगी ये मूवी आपको, और इस मूवी का नाम है रॉ। एक सैड न्यूज़ ये है कि ये सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, तो आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ इसको देखना पड़ेगा और ये कोई OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस मूवी की रेटिंग है 7। ये वाली मूवी 2018 में आई थी। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो एक क्रिएचर हमारे प्लैनेट पर आया हुआ होता है और उसने बहुत ही सारी आबादी को मार दिया होता है, और वो क्रिएचर ऐसा होता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज सेंसिटिव होता है, मतलब जरा सी भी आवाज़ की और आपका खेल खत्म। इस बीच एक फैमिली होती है, उसको इन सब हालातों से अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है। अब यह फैमिली बिना आवाज़ किए कैसे सर्वाइव करेगी, भाई अलग ही लेवल का हॉरर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपको इस मूवी के अंदर। और भाई ये मूवी ऐसी मूवी है जिसके अंदर बहुत ही कम डायलॉग है, लेकिन ये मूवी आपको पूरी तरह से अपने साउंड से आपको इस मूवी के साथ हुक करके रखेगी और आपको हॉरर का एक नेक्स्ट लेवल का मजा दिलाएगी। ये मूवी का नाम है क्वाइट प्लेस, जो आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। ये मूवी 2023 में आई थी। मूवी के प्लॉट की बात करें तो जॉन नाम का एक लड़का होता है, उसको कैंसर हो जाता है, तो वो अपना इलाज करने के लिए सब जगह जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि मेक्सिको के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसकी इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रिस्की है। और फिर वो अपना इलाज करने के लिए मेक्सिको पहुँच जाता है, लेकिन भाई वहाँ जब वो पहुँचता है तो पता चलता है कि वहाँ कुछ चीज़ और ही चल रही होती है, हमारी भी इमेजिनेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ऐसी ऐसी चीज़ें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। और वैसे भी सो नाम की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने हॉरर टच को लेके, और ये फिल्म उसी फ्रेंचाइजी का नेक्स्ट पार्ट है। इस फिल्म का नाम है सो एक्स। ये फिल्म आपको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी, तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फिल्म 2022 में आई थी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इस फिल्म के अंदर कहानी दिखाई गई है एक डॉक्टर की, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होती है और वो अपनी खुद की बीमारी से जूझ रही होती है, लेकिन एक दिन उसको एक ऐसे पेशेंट का सामना करना पड़ता है जिसका केस सुनने के बाद आपकी, उस पेशेंट की और डॉक्टर की सभी की नींद उड़ जाएगी। उस पेशेंट को दिखाई देती है एक स्माइल जो कि चारों तरफ उसके आसपास घूमती रहती है और उसका पीछा कर रही होती है। इस फिल्म की खासियत यही है, इस फिल्म के अंदर कोई खून खराबा या कोई भूत की स्टोरी नहीं है, लेकिन सिर्फ स्माइल की वजह से यह फिल्म आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगी और आप जब मूवी खत्म करोगे तो आपको भी वही स्माइल हर जगह दिखेगी, मतलब इतनी भयानक मूवी बनाई है। इस मूवी का नाम है स्माइल। अगर आप हॉरर मूवी के फैन हो तो ये वाली फिल्म को जरूर जरूर कंसिडर करना। ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5। तो दोस्तों अगली मूवी के बारे में बात करें तो इस कहानी के अंदर एक लड़के को किडनैप कर लिया जाता है और उसको एक साइलेंट कमरे में कैद कर लिया जाता है। इस कमरे के अंदर सिर्फ टूटी हुई तार वाला एक काला फोन मौजूद होता है। इस फिल्म की खास बात यह काला फोन ही है। जब यह फोन बजता है तो लड़के को लगता है कि कोई उसको हेल्प करने के लिए आएगा, लेकिन फोन की दूसरी तरफ होती है आत्माएं, और ये वही आत्माएं होती है जो इसी कमरे के अंदर कैद होकर मर गई होती है। अब वो आत्मा इस लड़के को बाहर कैसे निकालती है, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का प्लॉट इंटरेस्टिंग है, बीच में मूवी थोड़ी शायद आपको स्लो लगती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको हॉरर का तगड़ा एक्सपीरियंस करवाएगी। इस मूवी का नाम है द ब्लैक फोन, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और ये आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वाली मूवी 2022 में आई थी। इस मूवी के अंदर स्टोरी तो वैसे नॉर्मल है, लेकिन हॉरर वाला जो एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये वाली मूवी आपको 1980s के ज़माने में ले जाती है। कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर एक यंग लोगों का ग्रुप होता है जो वो एडल्ट फिल्म शूट करना चाहते होते हैं, और वो इसी शूट करने के लिए वो टेक्सास के बंगलों के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड कपल पहले से ही रह रहा होता है, तो उसकी परमिशन लेके वो लोग वहाँ पर शूटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है कि एक एक करके सबकी मौत होने लगती है। अब ये क्या हो रहा है, उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के अंदर हॉरर सीन भी है और एडल्ट सीन भी है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। इस मूवी का नाम है एक्स, जो आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5। तो दोस्तों हॉरर मूवी के सेकंड पार्ट के लिए टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।